बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं कि जो हम एडी बना रहे हैं उसी को डीएनएसपी बना रहे हैं या देखिए जब एक्यूरेटली हम सॉल्व करते हैं ना एक्यूरेटली प्री रेगुलर के अंदर उसके अंदर शामिल होता है वो डीएनएसपी से कंपल्सरी चाहिए होता है आप उसको तो ये कह सकते हैं डीएनएसपी को समझ मालूम है ठीक है उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस होती है एक तो डीएनएसपी का आपका चैनल है ठीक है तो एक ऑर्डर और डीएनएसपी करना ठीक है क्योंकि जो एडीएनडी क्रेडिट जो मैंने ऑप्शन दिए हैं एडीएनडी क्रेडिट एडीएनडी क्रेडिट जब आप एक्यूरेटली क्रिएट करते हैं तो एडीएनडी क्रेडिट साथ ही वो डीएनएस क्रिएट करते हैं लेकिन अगर तो एडीएनडी क्रेडिट नहीं यूज करना चाहता तो बेशक बड़ी डीएनएस करना चाहता ठीक है ठीक है मतलब हम पहले से डीएनएस कंफिगर कर रहे हैं उसको अब ये स्टैंडर्ड करो ना इसमें एक चीज याद है देखना जरा इसमें जो नीचे आइडेंटिटी क्रेडिट ऑप्शन है ना वो ग्रे आउट हो जी वो क्या होगी ग्रे आउट होगी क्योंकि वो क्या है जिस सर्वर को मैं इंस्टॉल कर रहे हो इसमें तो अपडेट पे है ही नहीं मैं तो आइडेंटिटी क्रेडिट क्यों हूं समझ आई सर इसकी अब इसमें आपको क्या ऑप्शन मिलेगी प्राइमरी स्टैंडर्ड इंस्टॉल तीन तो जरूर नजर आएंगे लेकिन आइडेंटिटी क्रेडिट इसमें नजर आएगा